नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गुजरात में शादी ब्याह में हलवाई लोग बनाते हैं, वैसी बहुत ही स्वादिष्ट और खट्टी मीठी आलू और शिमला मिर्च की ग्रेवी वाली सब्जी बनाना सीखेंगे। इसे बनाते वक्त हम प्याज, लहसुन या टमाटर का उपयोग भी नहीं करेंगे, फिर भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए, और रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम 5 से 6 लोगों को लंच या डिनर में सर्व कर सके उतनी सब्जी बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 नंग बड़ी साइज के आलू को छील कर उसे मीडियम साइज के टुकड़ों में काट कर पानी में भिगो कर रखा है ताकि वो काले ना पड़ जाए। वजन में देखने जाए तो 250 ग्राम आलू है, और उसके साथ मैंने 250 ग्राम यानी कि 2 नंग बड़ी साइज के ग्रीन कैप्सिकम को काट कर उसके अंदर से बीज निकाल कर उसे भी इस तरह के मीडियम साइज के क्यूब में काट लिया है। अब आलू और कैप्सिकम को डीप फ्राई करने के लिए गैस पर एक कढ़ाई में आवश्यकता के अनुसार मूंगफली का तेल गरम करें। शादी ब्याह में हलवाई लोग ज़्यादातर सब्जी फ्राई करके ही बनाते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब आलू को पानी से निकाल कर अच्छे से पोंछ ले, और कढ़ाई में समा सके उतने आलू एक बार में डीप फ्राई करें। आलू बाहर से थोड़े गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो और अंदर से भी बिल्कुल कच्चे ना रहे, उस तरीके से हमें उसे फ्राई करना है। एक बार आलू को फ्राई करने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। गैस की फ्लेम मीडियम रखें। ये सब्जी बनाने के लिए अगर आप मूंगफली के तेल का उपयोग करोगे तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। अगर मूंगफली का तेल घर पर अवेलेबल ना हो तो आप जो भी तेल रसोई में उपयोग में लेते हो वो ले सकते हैं। आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, जारा की मदद से उसे कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे। घर पर हम जो आलू कैप्सिकम की सब्जी बनाते हैं उसमें आलू को प्रेशर कुक करते हैं, लेकिन हलवाई लोग सब्जी को कभी भी प्रेशर कुक नहीं करते। इस तरह से फ्राई करके बनाओगे तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके अलावा भी मैंने गुजरात में शादी ब्याह में जो हलवाई लोग बनाते हैं वैसी बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर पोस्ट की है, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर वीडियो के एंड स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से हम गरम तेल में कैप्सिकम के टुकड़े को भी डीप फ्राई करेंगे। कैप्सिकम को फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट में वो फ्राई हो जाएंगे। अगर आप उसे ज़्यादा समय तक फ्राई करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे और सब्जी में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। कैप्सिकम थोड़े क्रंची रहेंगे तो ही सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इस तरह से कैप्सिकम फ्राई हो जाए, फिर जारा की मदद से उसे एक प्लेट में निकाल कर उसके ऊपर हम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। फ्राई किए हुए आलू और कैप्सिकम गर्म हो तभी हम उसके ऊपर मसाला स्प्रिंकल करेंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाए, जिसमें 1/2 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा। अगर आपको तीखी सब्जी खाना पसंद हो तो आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला डालें। ये गरम मसाला मैंने घर पर बनाया हुआ लिया है, आप मार्केट में से किसी भी अच्छी ब्रांड का गरम मसाला ले सकते हैं। अब सभी मसालों को आलू और कैप्सिकम के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब्जी बनाते वक्त मसाले डालने में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, वरना सब्जी उतनी टेस्टी नहीं बनेगी। सभी मसाले आलू और कैप्सिकम के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम एक ग्रेवी तैयार करेंगे। हम पंजाबी सब्जी बनाते वक्त टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, प्याज, लहसुन ये सब की ग्रेवी बनाते हैं, लेकिन ये गुजराती सब्जी में हम प्याज, लहसुन, टमाटर का उपयोग नहीं करेंगे। 1/2 कप मैंने घर पर जमाया हुआ फ्रेश दही लिया है, उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर, उसके साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर ऐड करें। लास्ट में हम उसमें 1/2 से 1 चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब सभी मसाले को दही के साथ
चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों के साथ हमें नमक नहीं ऐड करना है, वरना दही में से पानी सेपरेट होगा। दही बिल्कुल भी खट्टा ना ले, इस तरह से फ्रेश और बिना पानी वाला हो तो ही सब्जी अच्छी सी गाढ़ी बनेगी। ये सब्जी अगर आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। अब गैस पर एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच मूंगफली का तेल गर्म करने के लिए रखा है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर तड़का लगाने के लिए हम उसमें सब मसाला ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच हींग ऐड करें। राई और जीरा तेल में अच्छे से चिटकने लगे फिर हम उसमें 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपको कम तीखा खाना पसंद हो तो आप हरी मिर्च थोड़ी कम भी ले सकते हैं। 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ फ्रेश अदरक ऐड करेंगे और दोनों को अच्छे से भून लेंगे। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हो तो 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च और अदरक अच्छे से भून जाए फिर हम उसमें 5 चम्मच मूंगफली का दरदरा पाउडर ऐड करेंगे, जिससे ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी बनेगी। अब मूंगफली का कच्चापन दूर हो तब तक हम उसे 1 से 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। सब्जी बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम उपयोग में लेते हैं उसके नाम और मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अब सभी मसाले तेल में अच्छे से भून जाए फिर हम उसमें 2 बड़े चम्मच उबले हुए मूंगफली के बीज ऐड करेंगे, उसके साथ 2 बड़े चम्मच काजू के टुकड़े और 2 बड़े चम्मच किशमिश ऐड करेंगे। गुजरात में शादी ब्याह में जो हलवाई लोग सब्जी बनाते हैं उसमें काजू का उपयोग अवश्य करते हैं। इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब गैस की फ्लेम स्लो करके जो मसाला वाला दही हमने तैयार किया था उसे कढ़ाई में ऐड करेंगे। अगर आप गैस की फ्लेम हाई या मीडियम रखोगे तो दही फट जाने की संभावना रहती है। अब भुनी हुई सामग्री के साथ दही को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि दही के अंदर जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाए। ग्रेवी को 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद अब उसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है। हमने जो आलू और कैप्सिकम तल कर उसमें मसाला डालकर तैयार किए थे उसे कढ़ाई में ऐड करेंगे। इस सब्जी में आप हरे मटर, फ्राई की हुई पत्ता गोभी या बॉयल किए हुए स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। चम्मच की मदद से वेजिटेबल्स को हम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब्जी में हम ग्रेवी का भाग का नमक सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि अगर हम अभी नमक का उपयोग करेंगे तो दही में से पानी सेपरेट होगा। आलू और कैप्सिकम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम उसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 3 चम्मच या स्वादानुसार शक्कर ऐड करेंगे। ये गुजराती सब्जी है इसलिए स्वाद में थोड़ी खट्टी मीठी होती है, और हमने दही का भी उपयोग किया है तो उसकी भी खटास को बैलेंस करने के लिए शक्कर या गुड़ का उपयोग अवश्य करें। जिस बोल में हमने मसाला दही तैयार किया था उसमें मैंने 1 कप पानी ऐड करके फिर उसे सब्जी में ऐड किया है, ताकि बोल में जो दही चिपका हो वो सब सब्जी के अंदर मिक्स हो जाए। अब ढक्कन लगाकर हम सब्जी को 5 से 7 मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। आलू और शिमला मिर्च की सब्जी को 5 से 7 मिनट तक कुक करने के बाद ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। सब्जी में से बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है और जो पानी हमने ऐड किया था वो भी सब जल गया है। इस तरह से सब्जी में से ऑयल सेपरेट हो तब समझिए कि वो तैयार है। आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो तभी आप ये सब्जी बना सकते हैं। अब ग्रेवी के हिस्से का स्वादानुसार या 1 से 1.5 चम्मच जितना नमक ऐड करेंगे, और नमक को सब्जी के साथ मिक्स करके उसे 1 मिनट तक कुक करेंगे। अगर आप ये सब्जी घर पर बनाओगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके घर में
फैमिली मेंबर्स और गेस्ट को सभी को बहुत पसंद आएगी। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालकर उसे गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म सब्जी को हम सर्विंग बोल में सर्व करेंगे। गर्मा गर्म आलू शिमला मिर्च की सब्जी को हम पूरी, रोटी, चपाती, पराठा या स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको हलवा स्टाइल रेसिपी घर पर बनाने की इच्छा हो, तब ये सब्जी घर पर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी सरल एवं सात्विक रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। गर्मा गर्म सब्जी को हम गेहूं के आटे की पूड़ी के साथ सर्व करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।